सो करेंटली वी आर इन पदुम एट डोलमा कैंप साइट। सो कल रात में हम यहीं रुके थे, एक डॉम ले लिया था हमने। कल तो हालत ख़राब हो गई थी, कल गोप्रो भी ख़राब हो गया था तो कुछ फुटेजेस मिस हो गई, बट बहुत फ़न आया। और मतलब दिन भर ही लगा दिया, जावा बीच में फंस गई, उसका वो ख़राब, सेल्फ नहीं ले रही थी, ओवर हो गई थी, पुश स्टार्ट करना पड़ा वाटर क्रॉसिंग के पहले, और अनफॉर्चुनेटली गोप्रो ख़राब था तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई। बट टुडेज़ प्लान इज़ टू गो टू फुक्तल एंड देन विल हेड टूवर्ड्स पदुम। पदुम का रास्ता ख़राब है बट दे आर सेइंग कि ठीक है, मतलब हो जाएगा बाइक पे। बट लेट्स सी, सब यही बोल रहे थे कल भी। अभी का प्लान तो यही है कि विल हेड टूवर्ड्स फुक्तल। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं शायद 7, सुबह उठ गए थे बट फ्रेश व्रेश होके रेडी हैं, एंड देन वापस आकर विल हेड टूवर्ड्स पदुम। एंड दिस इज सुधाकर जो कल डेड फट गई है ठंड में। ठंड में फटी है और क्या, बाइक पे तो सह लेते थोड़ा बहुत। कल भैया की हालत ख़राब हो गई थी एकदम, और बस यही प्लान है। तो देखते हैं, मिल रहे हैं आपको एक ब्रेक के बाद। पार्किंग पॉइंट ऑफ फुक्तल मॉनेस्ट्री, और हम यहाँ पर हैं अभी, वहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी हैं, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक। सो दिस इज आवर ट्रैक। ये जो रोड आपको दिख रही है पतली से जाती हुई, सो वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक नाउ। होपफुली विल टेक अराउंड 2 hours, एंड इफ यू वुड हैव नोटिस द वाटर इज सो क्लियर, एकदम ब्लू। अभी दिखाता हूँ हल्का सा ग्लिम्स, सर आपके पानी जैसा होगा। Amazing, right? So yeah, we are starting the trek now and we'll keep you guys updating. All right, see ya. थिंकिंग के यहाँ से माउंटेन बाइक एक्सपीडिशंस तो होते होंगे शायद, इट विल बी अमेजिंग।
मतलब जिनको एडवेंचर पसंद है माउंटेन बाइकिंग, आई थिंक दिस रूट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड रूट्स। अगर कोई आना चाहता है तो अपनी बाइक लेकर माउंटेन बाइक, दे विल एंजॉय इट। Guys, so we are on the bridge. We'll cross that road. So this is the bridge, and as you can see, इनकी तो हालत ख़राब है, छोड़ो। So that is the entry point. I think उसके बाद we need to cover maybe थोड़ा time लगेगा. Let's see. लोग तो 20 मिनट बोल रहे हैं, but we don't know. तो अभी देखते हैं. So very beautiful bridge. All wooden bridge. This is the view. So guys, we are taking a breakfast break, having apples, और this is our breakfast spot. पीछे is waterfall और सामने है अपने नदी और पीछे is so yeah, I mean अब यहाँ से तो हमको gate दिख गया है, तो at least we are little confident कि हाँ आधे रास्ते आ गए हैं। एक घंटा हुआ है अभी हमें, अब इसके आगे मे बी 20-40 मिनट्स। एक अंकल मिले थे इन हिज 60s में भी, ही सेड कि 5-10 मिनट्स मोर, बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमको। आई थिंक ये नया ब्रिज बना है, दैट इज़ अ वुडन ब्रिज। इससे पहले ये वाला ब्रिज था, एज यू कैन सी इधर उधर, उससे तो अलग ही फन आता अगर उससे जाते हम। सो ठीक है, ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं एंड देन वील सी यू मिडवे। Almost reached the entry point, which is very steep. Hey, network. नेटवर्क लाल, तुम्हारा फोन लगा। वाईफाई हमारा, अच्छा GoPro। बस बस बस, बैड जवाब दे रहे हैं। So we are at the entry. Finally, 1.5 hours. Holy, worth the view. My heart is beating so fast. Bahar aa jayega. So this is the view.
जस्ट स्टैंडिंग एट द गेट एंड इट फील्स सो पीसफुल अमेजिंग प्लेस जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट अभी विल टेक सम शॉट्स विल गो इनसाइड एंड सी वहाँ पर क्या है सो यू एंजॉय सम सिनेमैटिक शॉट्स एंड आई विल बी बैक सून The monastery and it is very beautiful. I mean, it looks like it just, you know, maybe there was a mountain and then it popped out of nowhere. So yeah, I mean, अभी यहाँ पर हमको पता चला कि छुट्टियाँ चल रही हैं, सब छुट्टी गए हुए हैं. स्टोरी है कि वे बैक आई थिंक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो पहले ये होता था कि मॉन्क्स यूज टू गो टू विलेजेस फॉर राशन पानी और मांगना भिक्षा एंड ऑल राइट बट अभी यहाँ पर क्या होता है कि monasteries are how do I say it? I don't know. Capable enough. Yes, capable enough, or maybe they have resources, right? So, वो time यही है जब they go out and they ask people, they go to towns and they ask people. बहुत पहले ऐसा होता था, but now since they already have all the resources. अब ऐसा होता है कि they go for a holiday. I think it's 20 or 30 days holiday. तो कोई भी नहीं है, but we have one. यंग मॉन्क अवेलेबल फॉर अस सो बाकी सब कुछ लॉग्ड है बट ही एग्री टू शो अस बुद्धा सो वील हैव अ लुक एट द बुद्धा एंड देन वील हेड बैक ऑल राइट सो या वील अपडेट यू गाइज वंस वी गो डाउन एंड पता नहीं कौन सी यहाँ पर बर्ड्स उड़ रही हैं आई डोंट नो कोयल नहीं नहीं कोयल नहीं देयर इज पिजन एंड देयर इज वन ब्लैक बर्ड with a yellow beak I don't know कौन सी है but I'll show a small video of it yeah so all right guys we'll update you in a while so guys we are now heading back so the plan is कि यहाँ से अभी बज रहे हैं सुबह 11 अगर हम 12 बजे तक पहुँच जाते हैं then we'll have lunch and then we'll head to Padum so Padum is 50 किलोमीटर I'm not sure about the roads but लोग कहते हैं कि हाँ 2-3 घंटा लगता है सो आई एम गेसिंग कि अगर हमको 5-6 घंटा भी लगता है तो वी शुड बी एबल टू मेक इट टुडे सो या लेट्स सी एंड आई विल अपडेट यू इन पुरने नाउ
गुड आफ्टरनून गाइस, सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम पुणे। होली शिट, खींचे चलाओ, खींचे चलाओ।